हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली ऑयली स्किन वालों के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है स्किन केयर में, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये कुछ प्रोडक्ट हैं, चलिए देखते हैं ये कैसे प्रोडक्ट हैं, अच्छे या खराब, या आप लोग के लिए अच्छे हैं, बट फिलहाल मेरे लिए तो बहुत सफिशियंट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं, पूरा पूरे वीडियो में बने रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज का स्किन एंड केयर, स्किन केयर। आज मैं आप लोग के साथ ऑयली स्किन केयर जैसे शेयर कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लोरियाज का क्रिस्टल क्लियर वाटर। आप इसको एज अ टोनर सीरम काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट इसको मैं समर्स में टोनर जैसा ही यूज़ करती हूँ। जैसे मैं टोनर यूज़ करती हूँ, मैं टोनर की जगह इसे अप्लाई करती हूँ। तो चलिए इसको अच्छे से गैप गैप करके अप्लाई कर लेना, पहले लाइट, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पाउंस का सुपर लाइट जेल यूज़ कर रही हूँ। और ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है जो कि बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है कहीं ना कहीं, तो मुझे समर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट अपनी स्किन पे नहीं अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि मैं हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर में रहती हूँ, तो मुझे बहुत लाइट वेस्ट जो होते हैं प्रोडक्ट वही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से लगा लिया, थोड़ा सा जैसे एलोवेरा जेल नहीं होता वैसे ही मसाज कर लीजिए, और बहुत अच्छा है। इसमें हल्का सा ग्लो भी आता है जैसे कि आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हो। इसको मैंने लिया और बहुत लाइक है, तो मैंने अच्छे इसको मसाज कर दिया, थोड़ी सी हमारे फेस को मसाज मिल गई एंड बहुत अच्छा हो गया। और जो बचा मैंने हाथ में अपने हैंग में लगा लिया और बिल्कुल चिपचिपी फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं हो रही है, और बहुत अच्छा, आपका स्किन बहुत अच्छी हो जाती है इससे। आप अगर रेगुलर लगाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद मैं यूज़ करी सनस्क्रीन, सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पर मैं वाव की स्प्रे सनस्क्रीन यूज़ करी SPF 30, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर पर रहती हूँ, बहुत कम बाहर निकलती हूँ। इसको लगाने से पहले अच्छे से शेक कर लीजिए, उसके बाद इसको लगाइए। इसका सेपरेट रिव्यू मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, इससे पहले मैंने वही अपलोड किया है, तो आप जाके देख सकते हो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप ले सकते हो जाके। उसके बाद मैंने बायोटिकल लिप बाम, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है गाइस ये, तो मैं इसके साथ कोई चांस नहीं लेती अपने लिप बाम के साथ, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कोई और लिप बाम यूज़ करूँ, तो मैंने अच्छे से मैं इसको आराम से गैप कर रही हूँ कि जो मैंने सनस्क्रीन लगाई। अगर आप जा रहे हो मार्केट या कहीं जा रहे हो, आधे घंटे पहले ज़रूर लगाएगा। उसके बाद मैंने यूज़ किया है आई सीरम, ये कुकुम्बर लेवन का आई सीरम है गुड वाइब्स का, तो आप चाहो तो ले सकते हो। मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लिया है क्योंकि स्किन मेरी बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली हो जाती है समर्स में, और इसको डे या नाइट आप कभी भी स्किन केयर कर सकते हो। एंड अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से बहुत लाइट मतलब रखिएगा फिंगर्स को, और उसको अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने जो बच गया था लिप्स के अराउंड लगाया क्योंकि ब्लैक ब्लैक से मेरे लिप्स हो जाते हैं। सो आज की स्किन केयर ये पूरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अपनी और अपनी फैमिली।